हेलो एवरीवन, ये हमारा लेक्चर टू है और लेक्चर वन काफ़ी सही था। मतलब बहुत सारे बच्चों को समझ में आया क्लास, बहुत सारे लोगों ने इसको देखा था, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे। आई होप कि ये वाला लेक्चर आपको जो है समझ में आएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं इसको लेके, लेक्चर टू को, बिना किसी देरी के। ठीक है, तो टॉपिक ऊपर के सारे क्लियर हो चुके थे। अपने जो नया टॉपिक था यहाँ से शुरू करना था, एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। क्या एस्पिरेशन होने चाहिए और क्या गोल्स होने चाहिए सोसाइटी के, उसी पर डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास में बहुत लगभग थोड़ा सा बढ़ा के पढ़ेंगे ताकि समझ में आए चीज़ें। देखिए, दुनिया भर के जो पुरानी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, मोस्ट ऑफ द ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशंस लिमिटेड देमसेल्फ लार्जली टू अलोकेटिंग डिसीजन मेकिंग पावर एंड सेटिंग सम लिमिट टू गवर्न पावर। जो दुनिया भर की पुरानी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, उन्होंने जो भी डिसीजन मेकिंग पावर है या गवर्नमेंट की जो लिमिट्स हैं उनको कंट्रोल करके रखा था, गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करके रखा पुराने कॉन्स्टिट्यूशंस ने। बट मेनी 20th सेंचुरी कॉन्स्टिट्यूशंस, ऑफ विच द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल। बट अगर हम मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें, जिसमें भारत एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसके, और ये जो भारत देश का अपना जो संविधान है, ऑल्सो प्रोवाइड एन इनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट टू डू सर्टेन पॉजिटिव थिंग्स। गवर्नमेंट को अच्छे काम को करने के लिए और पॉजिटिव काम करने के लिए काफ़ी अच्छा एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। ठीक है, एक अच्छा फ्रेमवर्क, एक अच्छा ढांचा देती है टू एक्सप्रेस द एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी। एक सोसाइटी के क्या अपने एस्पिरेशंस हो सकते हैं, क्या उनके गोल्स हो सकते हैं, इसको करने के लिए जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, इस बात को समझिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पर्टिकुलरली इनोवेटिव इन द रिस्पेक्ट। ठीक है, इस रिस्पेक्ट में मतलब सोसाइटी के लिए काम करने के लिए, देखो हमारा देश क्या है, हम सब समाज से बने हैं, समाज से देश बना है, तो हम समाज के पुनरुत्थान के लिए, समाज की अच्छी चीज़ों के लिए हम रूल्स बना रहे हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस मामले में बहुत ही बेस्ट है। सोसाइटीज विद डीप एंटेंच इनक्वालिटीज ऑफ वेरियस काइंड्स विल नॉट ओनली हैव टू सेट लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, दे विल ऑल्सो हैव टू इनेबल द एम्पावर टू गवर्नमेंट टू टेक पॉजिटिव मेजर्स टू ओवरकम फॉर्म्स इनइक्वालिटी और डिप्रवेशन। हमारा संविधान या भी हमारा जो समाज है जहाँ पर अक्सर इनइक्वालिटीज होती हैं, मतलब भेदभाव होते हैं तमाम जगहों पे, ऊंची बड़ी चीज़ बड़ी जाति का छोटी जाति का, या बड़े लोगों का छोटे लोगों का, ये जो भेदभाव है आपस में, या फिर बहुत सारी चीज़ों पे जिस पे लिमिट्स लगाए गए हैं, या फिर तो इन सब चीज़ों को लेकर हमारा जो संविधान है वो बड़े अच्छे तरीके से वर्क करता है। और सरकार को, हमारी गवर्नमेंट को इतनी पावर ज़रूर देता है कि वो इन सब चीज़ों से ओवरकम कर सके और समाज में जो डिप्राइव लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जिनके साथ इनक्वालिटीज़ हैं, उनको कम से कम एक अच्छा पॉजिटिव मेजर, उनको अच्छे तरीके से समाज में उठने का, बैठने का, घूमने का, फिरने का एक तरीका प्रोवाइड कर सके। तो हमारा जो संविधान है वो हमारी सरकार को इतनी पावर देता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, इंडिया एस्पायर्स टू बी सोसाइटी दैट इज़ फ्री टू कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। भारत एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहता है एस्पायर्स, जो कि कास्ट फ्री हो, फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, जहाँ पर जातीय भेदभाव से पूर्ण रूप से आज़ादी हो, कि जातीय भेदभाव पे मान लीजिए कि ये कोई आदमी है, कोई एक्स इसकी जाति है, ये कोई आदमी है, इनकी कोई वाई जाति है, और एक्स वाई को इसलिए पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इनके विचार इनसे नहीं मिलते हैं, इनके काम करने के तरीके जो हैं वो अलग हैं, इनके काम करने के तरीके हैं वो जो अलग हैं, तो इनकी सोचने के तरीका अलग है। ये मान लीजिए कि ये पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं और ये ईश्वर को मानते ही नहीं हैं, नास्तिक हैं। ठीक है, एथिस्ट है, नास्तिक है, ये मानते ही नहीं ईश्वर को, तो इन दोनों के विचार आपस में नहीं मिलते, तो ये एक दूसरे के साथ नफरत, अभी इनका कास्ट अलग है, इनका कास्ट अलग है, तो यहाँ पर अब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द गॉड। तो इन सब चीज़ों पे अगर हर किसी को अपनी सोचने समझने का तरीका है, किसी में भगवान में विश्वास है, किसी को नहीं है, तो इस बेसिस पर आप उनसे नफरत तो नहीं कर सकते हैं ना। आपको अगर अपने भगवान को पूजना है आप भगवान को पूजिए, पर जिनको इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है वो आप उस पर फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक अलग चीज़ होती है। कहता है, इफ दिस इज आवर सोसाइटीज एस्पिरेशन द गवर्नमेंट विल हैव टू बी इनेबल्ड और एम्पावर्ड टू टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप्स टू अचीव दिस गोल। अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना ही हमारी सोसाइटी का पहला एस्पिरेशन है, तो गवर्नमेंट को पावर देनी पड़ेगी, उन पावर्स को इनेबल करना पड़ेगा, जिसकी मदद से वो सारे उन आवश्यक कदमों को ले सकते हैं, उन नेसेसरी स्टेप्स को ले लेंगे जिससे वो इस गोल को अचीव कर पाएंगे।
अगर हम साउथ अफ्रीका जैसे देश की बात करें जहाँ पे एक डीप हिस्ट्री है, मतलब एक बहुत ही गहरा इतिहास है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब रंगी भेदभाव का, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन रंग के आधार पर, ठीक है, रंग के साथ जो भेदभाव होता है काले गोरे का, उसका एक बहुत ही पुराना इतिहास रहा है हिस्ट्री ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। पर साउथ अफ्रीका का जो नया संविधान है, जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उस ये इनेबल करता है, गवर्नमेंट को इतनी पावर जरूर देता है कि वो एंड कर सके इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मोर पॉजिटिवली। कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्ट्राइन द एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी, संविधान जो भी हो उसको हम उसको इतनी ताकत हो, उसको इतने पावर्स हो कि वो समाज का भला कर सके, समाज को ऊपर लेके जा सके, ना कि समाज को डुबाए या समाज के लोगों के साथ किसी तरह का भेदभाव करे। तो एक अच्छा संविधान यही होता है। अब एक किस चीज़ को समझिए जरा ध्यान से, कैरा रीड अ कार्टून, इस कार्टून को देखिए। ये नेहरू जी हैं, हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री, ठीक। अब आप इसमें कुछ इस फोटो को जरा ध्यान से देखिए, नेहरू जी यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, कुछ लोग हैं जो वंदे मातरम चैंट कर रहे हैं, कुछ जनगणमन गा रहे हैं, कि उसके हाथ में कुछ अलग इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ अलग इंस्ट्रूमेंट है, ये अलग इंस्ट्रूमेंट है, कुछ के कपड़े टाई बेल्ट वाले हैं, कुछ धोती कुर्ते बैठे हैं, कुछ जमीन पे बैठे हैं, कुछ ऊंचे चेयर पे बैठे हैं। नेहरू जी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं इस कैटेगरी के लोगों को भी और इस कैटेगरी के लोगों को भी। और ये 4 दिसंबर 1949 की बात है। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैव टू एड्रेस देमसेल्फ टू वेरी डिफरेंट एस्पिरेशन। नेहरू जी इस पार्टी को भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों को भी कन्विंस कर रहे हैं कि हम आपकी बात भी सुनेंगे, हम आपकी बात भी सुनेंगे। संविधान निर्माताओं ने लगभग हर व्यक्ति के मनसा को जानने की, हर तबके के लोगों को अपने साथ जोड़ने की, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, पूरी की पूरी कोशिश की है। आ रहे समझ में, ठीक है। देखिए, द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थॉट दैट इच इंडिविजुअल इन सोसाइटी शुड हैव ऑल इट्स ऑल दैट इज नेसेसरी फॉर देम टू लीड अ मिनिमल डिग्निटी एंड सोशल सेल्फ रिस्पेक्ट, मिनिमम मटेरियल वेलबींग, एडुकेशन एक्सेट्रा। हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण जब वो संविधान का निर्माण कर रहे थे, तो उन्होंने किसी एक समूह के बारे में या किसी एक नेता के बारे में नहीं सोचा था, वो पूरी समाज की कल्पना कर रहे थे और साथ में एक एक व्यक्ति की कल्पना कर रहे थे कि कम से कम वो अपने रिस्पेक्ट डिग्निटी के साथ और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, मतलब आत्मसम्मान के साथ, अपनी एकता के साथ वो जी सके, और उसको जीवन जीने के लिए जो मटेरियल चीज़ों की ज़रूरत है, मतलब रोटी कपड़ा मकान की, पढ़ाई लिखाई की, एडुकेशन की, उसकी व्यवस्था हो सके। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल्स द गवर्नमेंट टू टेक पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स, सम ऑफ विच आर लीगली इम्पॉसिबल। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान ने, क्योंकि हमारे संविधान का यह दायित्व तो बनता था कि वो इन चीज़ों का ध्यान रखे, वेलबिंग का, एडुकेशन का, डिग्निटी का, सेल्फ रिस्पेक्ट का, तो उस हमारे संविधान ने हमारी सरकार को ये पावर्स लीगली इन्फोर्सेबल कराएं कि आपके पास ये पूरी तरीके से हक है कि आप इन सब चीज़ों पे लोगों के पॉजिटिव वेलफेयर का ध्यान रखें और उनको आप लीगली इन्फोर्स कर सकें, मतलब कानूनी रूप से उनको लागू कर सकें ताकि लोगों को फ़ायदा मिल सके। कह रहे हैं, एज वी गो ऑन स्टडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे जैसे हम भारतीय संविधान को पढ़ेंगे, वी शैल फाइंड दैट सच इनेबलिंग प्रोविजंस हैव द सपोर्ट ऑफ प्रीएम्बल टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन। इन ये जो मतलब जिस तरह के कानून की बात की जा रही है, जो लोगों के ऊपर में, मतलब जिन प्रोविजंस को हम अपने लोगों पे लागू करेंगे, इसको जो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है उसको प्रीएम्बल का सपोर्ट था। प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम आगे पढ़ेंगे। और एक और चीज़, और इन प्रोविजंस को, ये जो प्रोविजंस हैं, आप इसको कहाँ पाएंगे, तो हमारे अपने फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल राइट वाले सेक्शन में आप इन प्रोविजंस को पाएंगे, जिसमें लोगों के डिग्निटी की, सेल्फ रिस्पेक्ट की, वेलबिंग की, एडुकेशन की और पॉजिटिव वेलफेयर्स की बात की गई है। तो अगर पूछे कोई इन सब चीज़ों के बारे में कहाँ बात की गई है, तो आप वो बता सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट के सेक्शन में लोगों के वेलबिंग के बारे में, वेलबिंग के बारे में, अच्छे से जीने से लेकर के हर तरीके के राइट्स के बारे में बात किया गया है। एक इसके साथ एक और टॉपिक आता है, इसे DPSP कहते हैं, विच इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट ऑफ पॉलिसी। तो ये गवर्नमेंट की पूरी तरह से मदद करती है इन एस्पिरेशन, लोगों की इन एस्पिरेशंस को फुलफिल करने में। तो आगे चलकर हम इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे एकदम डिटेल में, DPSP। फिलहाल अभी कुछ भी नहीं बता सकते आपको, ना DPSP ना फंडामेंटल राइट्स, अभी आप कन्फ्यूज हो जाओगे। अभी अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन को ही पढ़ो, ठीक है। तो भैया अब क्या कह रहा है चौथा पॉइंट, द फोर्थ फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ ए सोसाइटी एंड क्रिएट ए कंडीशन फॉर जस्ट सोसाइटी। तो चौथा और जो सबसे इम्पोर्टेंट कह लीजिए,
कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है हमारे संविधान को, जो चौथा इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सरकार को इजाज़त देती है कि सोसाइटी के एस्पिरेशंस को फुलफिल करें, मतलब उनकी इच्छाओं को फुलफिल करें, उनको पूर्ण रूप से लागू करें और ऐसा कंडीशन बने जो कि समाज में न्याय संगत हो, जस्ट सोसाइटी में समाज हमारा न्याय संगत हो। ठीक है, अब देखिए इनेबलिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजन को इनेबल करने की बात हो रही है, उनको लागू करने की बात हो रही है। देखिए कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट ओनली रूल्स एंड रेगुलेशंस कंट्रोलिंग द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। संविधान कोई सिर्फ रूल्स और रेगुलेशन के बारे में नहीं है जो गवर्नमेंट की पावर को कंट्रोल करता है, नहीं सिर्फ उतना नहीं है, ये पावर देता भी है। दे ऑल्सो गिव पावर टू द गवर्नमेंट फॉर परसुइंग द कलेक्टिव गुड ऑफ सोसाइटी। ये सिर्फ सरकार के नियमों पर नियंत्रण और रोक ही नहीं लगाता है, बल्कि ये उसको पूर्ण रूप से एक ये समझिए कि सरकार को पावर भी देता है कि वो समाज के भले के लिए, उनको पावर मिलती है सरकार को कि समाज के भले के लिए वो काम कर सके, समझ रहे हैं। तो हमारा संविधान सिर्फ रोक नहीं लगाता है बल्कि पावर्स भी प्रोवाइड करता है। साउथ अफ्रीका के संविधान की अगर बात करें तो वो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है अपनी गवर्नमेंट को, जैसे कि वो चाहता है कि जो उसकी सरकार है वो लोगों को सबसे पहले तो नेचर को कंजर्व करे, कंजर्वेशन ऑफ नेचर करे, लोगों को प्रोटेक्ट करें, ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करें, ठीक है, किसी भी तरह के अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन से, मतलब किसी भी तरह के जातीय भेदभाव से, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, और अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन मतलब किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, जातीय हो, रंग से हो, फाइनेंस पैसे से हो, किसी भी तरीके से भेदभाव को रोके। तो वहाँ के जो संविधान है वहाँ की सरकार को ये पावर्स इनेबल करती है। एंड प्रोवाइड दैट गवर्नमेंट मस्ट प्रोग्रेसिवली इंश्योर एडिक्वेट हाउसिंग टू ऑल, और हर व्यक्ति को एक अच्छा घर प्रोवाइड कर सके और हेल्थ केयर, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। तो वहाँ के संविधान लोगों के लिए सच में बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर बात करें हम इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की जो गवर्नमेंट है ऑल्सो उसको भी संविधान से काफ़ी अच्छे पावर्स मिले हैं, जैसे कि वो नेशनल एडुकेशन सिस्टम को कंडक्ट करती है, मतलब उसके देश में पढ़ाई लिखाई का सारा ब्यौरा उसकी सरकार के हाथ में है। और कह रहा है द इंडोनेशियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट द पुअर एंड डिस्ट्यूट, जो गरीब बच्चे हैं और जो बेसहारा बच्चे हैं उनको कम से कम वो सरकार उनकी देखरेख करेगी, उनकी देखरेख के लिए सरकार खुद आएगी, उनको पैसे से लेकर के घर की जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो सरकार का काम है प्रोवाइड करना। तो आप देख रहे हैं संविधान किस तरीके से हमारी सरकार की मदद कर रहा है। ये तो इंडोनेशियन और साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो गई। जब आप अपने देश के बारे में जानेंगे तो आप और भी प्राउड फील करेंगे। अब एक टॉपिक है जिसका नाम है फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल। आखिर लोगों की एक फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या होगी, क्या होनी चाहिए समाज में लोगों की एक फंडामेंटल आइडेंटिटी। फाइनली एंड परहैप्स इवन मोस्ट इंपॉर्टेंटली अ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। देखिए अगर सही तरीके से समझा जाए और देखा जाए तो हमारा जो संविधान है वो लोगों को एक फंडामेंटल आइडेंटिटी देता है, आपको भी देता है, आपके घर के लोगों को भी देता है, एक फंडामेंटल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। अब क्या होता है इसका मतलब वो समझिए। दिस मींस द पीपल एज अ कलेक्टिव एंटिटी कम इनटू बीइंग ओनली थ्रू द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है कि लोग, जितने भी लोग हैं जिसको संविधान ने एक फंडामेंटल आइडेंटिटी प्रोवाइड की है, वो सब बेसिक संविधान के यानी कि मूल संविधान के दायरे में आते हैं, वो सभी मूल संविधान के दायरे को फॉलो करने के लिए हैं। ठीक है, इसका यही मतलब होता है। इट इज़ बाय अग्रीइंग टू अ बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स, ये बोला मैंने, ये आप जितने भी लोग हैं वो सब लोग मिलकर एक बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स, मतलब एक तरह के बातों को, कानून को सब लोगों को मानना है अबाउट हाउ वन शुड गवर्न, जैसे कि कैसे कोई राज करेगा और कौन राज करेगा, किसकी सरकार होगी, ये सब कुछ एक वन फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, लोगों के द्वारा ही ये इन बातों का निर्णय किया जाएगा। कम से कम हमारा संविधान इस बात की गारंटी तो देता है। वन हैज़ मेनी सेट्स ऑफ आइडेंटिटीज दैट एग्जिस्ट प्रायर टू कॉन्स्टिट्यूशन बट बाई अग्रीइंग टू सर्टेन बेसिक टर्म्स एंड प्रिंसिपल वन कॉन्स्टिट्यूट वन बेसिक पोलिटिकल आइडेंटिटी। देखिए बहुत सारे लोग, बहुत सारी अलग अलग सबकी अपनी प्रायोरिटीज हो सकती हैं संविधान से लेकर के, बहुत सारे लोग अलग अलग बेसिक नॉर्म्स प्रिंसिपल्स पे अपने आप को रख सकते हैं, किसी के अलग सिद्धांत है, किसी के अलग सिद्धांत है, लेकिन सब एक सिद्धांत पर आकर के कॉन्स्टिट्यूट होता है और हर किसी को एक बात माननी पड़ती है, उसी को हम पोलिटिकल आइडेंटिटी कहते हैं। पोलिटिकल आइडेंटिटी इज अग्रीइंग टू सर्टेन बेसिक नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स वन कॉन्स्टिट्यूट वन बेसिक, ठीक है। पॉलिटिकल आइडेंटिटी ऐसी आइडेंटिटी होती है जहाँ पर सभी को आकर एक रूप से इस चीज़ को मानना पड़ता है और एक चीज़ से इसको समझनी पड़ती है कि हाँ भाई अब हम सब एग्री हैं यहाँ पे। दूसरी, सेकंड,
Constitutional norms are the overarching, that is, a framework within which one pursues individual aspiration, goal and freedom. संविधान में जो कानून हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो लिखित हैं, वो एक तरीके से बताती हैं कि जो भी इंडिविजुअल होगा उसकी अपनी जो इच्छा होगी, उसकी जो अपनी गोल्स हैं या उसकी जो अपनी स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, इसको व्यापक रूप से समझाई है, व्यापक रूप से इसकी पूरी सी समीक्षा की गई है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है. द कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स ऑथोरेटिव कॉन्स्टेंट अपॉन व्हाट वन मे और मे नॉट डू. हमारा संविधान एकदम बताता है, एक सेट ऑफ ऑथोरेटिव कॉन्स्टेंट निकालेगा कि किसको क्या काम करने की इजाज़त है और कोई क्या काम नहीं कर सकता है. ये भी, इसकी भी पूरी व्यापक समीक्षा की गई है हमारे संविधान में. इट डिफाइंस द फंडामेंटल वैल्यूज दैट वी मे नॉट ट्रेसपास. यानी कि अगर साफ तौर से समझें तो संविधान में कुछ ऐसे नियम हैं, संविधान में कुछ ऐसे फंडामेंटल वैल्यूज हैं जो हमें किसी भी हालत में ट्रेसपास नहीं करने हैं, उनका उल्लंघन नहीं करना है. सो द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अ मोरल आइडेंटिटी. पॉलिटिकल आइडेंटिटी के साथ साथ संविधान हमारा एक मोरल आइडेंटिटी को भी प्रोवाइड करता है. थर्ड है और फाइनल है ये. इट मे बी द केस दैट मेनी बेसिक पॉलिटिकल एंड मोरल वैल्यूज आर नाउ सेट अक्रॉस डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस. अब बहुत सारा पॉलिटिकल और मोरल वैल्यूज को हम देखेंगे कि एक दूसरे के साथ मिल रही है, एक साथ जुड़ रही है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन को फॉलो कर रही है. मान लीजिए इफ़ वन लुक्स एट कॉन्स्टिट्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड, अगर दुनिया भर में अगर एक आदमी दुनिया भर सारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखे तो फिर उसकी जो अपनी सोच है वो बहुत अलग होगी. द डिफर इन मेनी रेस्पेक्ट इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दे एंजॉय मेनी प्रोसीजरल डिटेल्स. जब वो जानेंगे कि वहाँ की सरकारों का संगठन कैसे होता है, वहाँ का संविधान कैसा है, तो हो सकता है उनकी सोच यहाँ पर डिफर करे. बट दे ऑल्सो शेयर अ गुड डील. बट ये एक अच्छा काम भी करेंगे, वो समझिएगा कैसे. वो ऐसे कि मोस्ट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस क्रिएट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज डेमोक्रेटिक इन सम रिस्पेक्ट. आज दुनिया भर में जितने भी संविधान हैं वो जिस तरह की सरकार का निर्माण करते हैं वो बहुत हद तक एक टर्म में डेमोक्रेटिक होते हैं, लोकतांत्रिक होते हैं. क्या होते हैं? लोकतांत्रिक होते हैं, यानी लोगों द्वारा चुने गए होते हैं, लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वो दुनिया भर में है. मोस्ट क्लेम टू पुट एक सर्टेन बेसिक राइट. दुनिया भर का जो संविधान है यहाँ पर कुछ कुछ जो सबके लिए कॉमन है कि वो बेसिक राइट्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है. हर कोई, कोई ज़्यादा कोई कम करती है. बट कॉन्स्टिट्यूशंस आर डिफरेंट इन द वे दे एम्बॉडी कॉन्सेप्शंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी. बट सबके जो संविधान हैं वो उनकी अपनी अपनी धारणाएं हैं नेशनल आइडेंटिटी को दिखाने के लिए. तो मतलब हर संविधान जो है अपने हिसाब से जिन नियमों को बनाती है, जिन नियमों का पालन करती है, उनकी जो अपनी धारणाएं हैं उन्हीं धारणाओं को रखते हुए वो अपनी एक नेशनल आइडेंटिटी को क्रिएट करती हैं. किसी भी देश की जो अपनी पहचान है वो उसके संविधान से ही होती है. मोस्ट नेशंस आर एन एमलगेमेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस. बहुत सारे देश तो ऐसे हैं जो मिश्रण है अपने पुराने रीति रिवाजों का. जैसे कि अगर मैं आपको इसको बात बताऊं, जर्मनी की बात करूं अगर, तो जर्मनी में जातीय लोगों ने जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है और वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जातीय आधार पर है. पर अगर भारत देश की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है. डज नॉट मेक एथनिक आइडेंटिटी. हमारे देश का जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी रूप से किसी भी का भी जातीय विभाजन पर नहीं बना है. डिफरेंट नेशंस एम्बॉडी डिफरेंट कॉन्सेप्शंस. व्हाट द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ नेशन एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर हम अपने देश की बात करें तो, या फिर हमारे देश में जितने भी अलग अलग रीजन हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में अलग अलग अपने सबके रिलेशन हैं, और इसको समझा सकता है दिस रिलेशनशिप कंस्टिट्यूट द नेशनल आइडेंटिटी. और यही जो हमारे देश का रिलेशनशिप है हमारे देश की नेशनल आइडेंटिटी को दिखाता है, समझाता है, बनाता है. ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि हमारे संविधान को किस तरह के अधिकार दिए गए हैं. द अथॉरिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन. वी हैव आउटलाइन सम. अभी अब तक आपने लगभग कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे फंक्शंस को पढ़ा, उसको आउटलाइन किया. दिस फंक्शन एक्सप्लेन वाई मोस्ट सोसाइटीज हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. इसको पढ़ के आप ये समझ गए होंगे कि दुनिया भर में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है. साउथ अफ्रीका के केस में, चाहे वो इंडोनेशिया का केस हो, चाहे वो जर्मनी का केस हो, अभी हमने पढ़ा तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन्हें क्यों ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की. ठीक है, पर फिर भी हमें तीन ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि अपने संविधान के बारे में पूछा जा सकता है. पहला सवाल तो ये कि संविधान क्या है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा कि हमारा जो संविधान है वो कितना इफेक्टिव है, और तीसरा
कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट क्या है, यानी कि हमारा संविधान कितने हद तक न्याय संगत है, कितने हद तक सही है, न्याय संगत है। ये तीन सवाल आप पूछ सकते हैं। पहला, संविधान क्या है, कितना इफेक्टिव है और कितना न्याय संगत है। तीन सवाल अभी भी, इन तीनों सवाल के जवाब हैं पूरे किताब में हैं। पहले सवाल एक एक करके जानेंगे तो सुनिएगा। इन मोस्ट कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट दैट कंप्राइज अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स अबाउट स्टेट स्पेसिफाइंग हाउ द स्टेट इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड व्हाट नॉर्म्स इट शुड बी फॉलो। अगर मैं अब आपको संविधान का डेफिनेशन अब दूँ, कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन, तो समझ में आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट दैट कंप्राइज अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स अबाउट द स्टेट स्पेसिफाइंग हाउ द स्टेट इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड व्हाट नॉर्म्स इट शुड फॉलो। अगर मैं अब आपको समझाऊँ कि संविधान क्या है, तो बहुत सारे देशों के लिए संविधान एक डॉक्यूमेंट है जिसमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या हैं, सम्मिलित हैं, लिखे गए हैं, और उसमें साफ तरीके से ये बताया गया है कि कैसे कोई राज्य चलेगा, कैसे कोई राज्य काम करेगा और किस तरह के नॉर्म्स को उसको फॉलो करने पड़ेंगे जिससे वो संविधान का हिस्सा बना रहेगा। लेकिन वेन वी आस्क फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री वी आर यूजुअली रेफरिंग टू इट्स डॉक्यूमेंट। जब भी हमारे सामने संविधान की बात होती है तो हम समझते हैं कि डॉक्यूमेंट है, लिखित डॉक्यूमेंट होगा, पन्ने पर छापा गया होगा, पर ऐसा है नहीं। कुछ कंट्री जैसे कि हम बात करें अगर यूनाइटेड किंगडम की, तो उनके पास कोई सिंगल डॉक्यूमेंट है ही नहीं, उनके पास सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, एक दो डॉक्यूमेंट हैं, सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। अब सबको एक कोई भी डिसीजन लेना होता है तो सब लोग कलेक्टिवली लेते हैं, कोई एक आदमी डिसीजन ले नहीं सकता है, इसी को तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की डिफिनेशन बदल जाती है अलग। सो वी कैन सी दैट, इसलिए हम ये कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट, सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं है, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट सिक्स टू परफॉर्म द फंक्शन दैट वी आर मेंशन्ड अबव। ऊपर जो हमने अभी तक समझा, जितना भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, किस तरीके से काम करता है, ऊपर उतनी सारी बातें पढ़ी ना आपने, तो वही संविधान का असली डेफिनेशन है, ठीक है। अब देखिए, बट मेनी कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर। बहुत सारे दुनिया में ऐसे संविधान हैं जो सिर्फ कागज़ पे ही रह गए हैं, दे आर मेयर वर्ड्स, वो सिर्फ वर्ड हैं। पार्कमेंट का मतलब होता है चरणपत्र। चलिए हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, हालांकि ये बात करने लायक कंट्री है नहीं, पर फिर भी बात कर लेते हैं। संविधान बना तो है पर किसी काम का है क्या? नहीं, यहाँ पे मिलिट्री शासन चलता है। यहाँ संविधान से देश नहीं चलता, यहाँ शासन से देश चलता है, मिलिट्री शासन से, किसी काम का नहीं है ये, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि जब किस यहाँ पे आकर संविधान काम क्यों नहीं करता है, यहाँ पे संविधान इफेक्टिव क्यों नहीं है, संविधान को इफेक्टिव क्या बनाता है? सबसे क्रूशियल क्वेश्चन यही है कि व्हाट मेक्स इट इफेक्टिव, संविधान को आखिर इफेक्टिव कैसे बनाया जाए, हाउ इफेक्टिव इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान कितना इफेक्टिव होना चाहिए और उसको इफेक्टिव बनाने के क्या तरीके हैं। अगर मैं आपकी बात, और ये लोगों के जीवन पे किस तरह से असर डालता है, ये सब सवाल है। संविधान बनाना, मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव, डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर। अगर संविधान को इफेक्टिव बनाना है तो वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला तो यही है कि मोड ऑफ प्रोमोगुलेशन, की प्रचार का तरीका क्या है, संविधान लोगों तक आपका पहुँच कैसे रहा है, प्रचार कैसे हो रहा है उसका, ये इम्पोर्टेंट है। दिस रेफर्स टू हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इन टू बींग, हु क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, किन्होंने क्राफ्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान बनाने वाले कौन, और हाउ मच अथॉरिटी डिड दे हैव, और कितने उनके पास अथॉरिटी थी, मतलब कितने लोग थे इसको बनाने के लिए, कौन कौन से लोग थे इनको बनाने के लिए। बहुत सारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन डिफंक्ट, बहुत सारे देशों की अगर बात की जाए तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एकदम मृत है, निर्जीव है, किसी काम का नहीं है। ऊपर देख लो एग्जाम्पल पाकिस्तान वाले, क्योंकि ये बनाए इसलिए वो मृत हैं, इसलिए वो निर्जीव हैं, क्योंकि उनको बनाने वाले मिलिट्री लीडर्स हैं और ऐसे लीडर्स हैं जिनका लोगों से कोई मतलब ही नहीं है, ना वो लोगों के साथ लेकर चलने वाले लोग नहीं है, मतलब वो लोगों को साथ लेकर चलने वाले लोग नहीं है, वो उनका बस अपना टेररिज्म एंड ऑल इस सब पे चलता है। अगर बात की जाए सबसे सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशंस की, तो वो है साउथ अफ्रीका की, भारत की, अपने देश की, साउथ अफ्रीका की, यूनाइटेड स्टेट्स की, ये दुनिया के सबसे सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। यहाँ तक कि यूरोप में भी हमारा जो उनका जो संविधान है वो फेल्ड है। फोटो दिखाए थे पिछले क्लास में, आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो जाके वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। हमारे देश में जो संविधान है, या बाकी देशों में जो, ये यूनाइटेड स्टेट्स की बात की जाए अगर, या फिर साउथ अफ्रीका की, या फिर भारत की, तो इनके जो संविधान बनाए हैं वो बहुत सारे पॉपुलर नेशनल मूवमेंट्स के बनने के बाद बनाए, इनके होने के बाद बनाए।
ये मतलब समझते हैं संविधान का, संविधान का पीछे का कारण समझते हैं, संविधान को ये जानते हैं, ठीक है। सो अगर हम भारत की बात करें, इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारत का संविधान बना था आपका दिसंबर 1940 से लेकर नवंबर 1949 के बीच में, और ये कोई आसानी एक लाइन में कहने वाली बात नहीं है। इसका एक अपना अलग इतिहास है, लॉन्ग हिस्ट्री, बहुत बड़ी हिस्ट्री है इसकी। बहुत सारे मूवमेंट चले थे, राष्ट्रीय आंदोलन चले थे, बहुत सारे रिमार्केबल एबिलिटी हैं जो इस संविधान को लेकर आते हैं, और बहुत सारे इंडिया के डिफरेंट सेक्शंस हैं, सोसाइटी हैं, उनको एक साथ लेकर आए, तब जाकर हमारा संविधान बनता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रू इनॉर्मस लेजिसिमिटी फ्रॉम द फैक्ट दैट इट वॉज ड्रॉन बाई द पीपल हु एंजॉयड इमेंस पब्लिक क्रेडिबिलिटी, हु हैड द कैपेसिटी टू नेगोशिएट एंड कमांड द रिस्पेक्ट ऑफ वाइडर क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एंड हु वर एबल टू कन्विंस द पीपल दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर देयर एग्रेडिसमेंट ऑफ देयर पर्सनल पावर। संविधान बनाने वाले लोग, संविधान बनाने वाली अथॉरिटी कोई छोटी मोटी अथॉरिटी नहीं थी, वो लोगों के द्वारा चुनी हुई, लोगों के द्वारा जानी गई, समझी गई, और उनके बीच में जो सबसे पॉपुलर नेता थे, जो सबसे पढ़े लिखे लोग थे, जो भारत के विभिन्न विभिन्न राज्यों से आते थे, विभिन्न विभिन्न क्रॉस सेक्शन था उनके सोसाइटी में, उन लोगों के द्वारा बनाया गया था, और उन लोगों ने लोगों को इस बात की गारंटी दी थी कि ये जो संविधान बन रहा है वो किसी पावर को एंजॉय करने के लिए नहीं बन रहा है। इसका यही मतलब होता है, अग्रेंडेसमेंट का मतलब होता है कि सिर्फ पावर्स को बढ़ा चढ़ाकर अब्यूद है, इसका मतलब होता है अब्यूद है, ये पावर को उभारने के लिए नहीं है, किसी की पर्सनल पावर के लिए नहीं है, ये आपके लिए है, ठीक है, ये आपके लिए है। देखिए कुछ कंट्रीज तो ऐसी हैं, सम कंट्रीज हैव सब्जेक्टेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन टू अ फ्लेज रेफरेंडम। रेफरेंडम मतलब होता है जनमत संग्रह, वेयर ऑल द पीपल वोट ऑन डिजायरेबिलिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे लोगों से वोट करा करके कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया है। अगर बात करें भारत देश की, इंडिया की, तो ऐसा नहीं है, हमने रेफरेंडम का इस्तेमाल नहीं किया है, हमारे लोगों ने, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने, जिन्होंने जो हमारे नेशनल मूवमेंट्स में थे, जिनका बड़ा योगदान रहा है, जिन पे हमको भरोसा था, उन्होंने ही इसको बनाया है, उन्होंने ही इस चीज़ को किया है, और हमने उसको एक्सेप्ट किया है, चूँकि हमारा संविधान हमें इस चीज़ के लिए मजबूर करता है कि हम उसको एक्सेप्ट करें। हमारा संविधान इस तरीके से तैयार हुआ था कि हम उसको एक्सेप्ट करने पर मजबूर हो जाएँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमसे पूछ के हमारा संविधान बनाया गया था, नहीं, हमारा संविधान बनाने वाले लोग वही थे जिनको हमने चुना था, ठीक है, हमें इस चीज़ को मानने के लिए मजबूर किया जाता है हमारे संविधान के द्वारा ही। चलिए हम आपको एक मस्त बता रहे हैं इसके बारे में, नेपाल के बारे में, इसका संविधान कैसे बना था। देखिए नेपाल का संविधान बड़ा ही झमेला वाला है, कैसे, देखिए नेपाल का संविधान बहुत बार बना है, लगभग 5 कॉन्स्टिट्यूशन था। देखिए अगर बात करें 48 की, तो नेपाल हैड 5 कॉन्स्टिट्यूशन, एक 48 में, एक 51 में, एक 59 में, एक 62 में, एक 1990 में, 5 कॉन्स्टिट्यूशन आया और गया, पर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बट और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे वो काम का नहीं था, और सबका सब नेपाल में मोनार्की थी, राजा का रास्ता किंग ऑफ नेपाल के द्वारा ग्रांट किया गया था, ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन 48 51 59 62 92 सॉरी 90 ये सब वहाँ के राजा के द्वारा ही अप्रूव किया जाता था। द 1990 कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड अ मल्टी पार्टी कॉम्पिटिशन, 1990 में जो संविधान आया था वो मल्टी पार्टी कॉम्पिटिशन को लेके आया था, लेकिन फाइनली इसमें भी जो पावर्स थी वो राजा के हाथ में ही थी। बहुत सालों तक संघर्ष चला, फ्रॉम मेनी ईयर्स नेपाल ऑफिस मिलिटेंट नेपाल में एक मिलिटेंट पॉलिटिकल एग्रेशन चलता था, मतलब मिलिटेंटों के द्वारा चलता था, जिसको हम मेविस्ट के नाम से जानते हैं। उन्होंने गवर्नमेंट को रिकंस्ट्रक्ट करने की बात की थी, रिस्ट्रक्चर करने की बात की थी, उनका कहना था कि नहीं इस गवर्नमेंट को रिस्ट्रक्चर करो वगैरह वगैरह। नेपाल में संविधान बदलने, बार बार बदलने का सबसे बड़ा कारण था वहाँ की राजतंत्र, वहाँ की मोनार्की, जो लोगों को पसंद नहीं थी। कुछ लोग चाहते थे कि मोनार्की को, राजतंत्र को अबॉलिश कर दें, लेकिन राजा को कुछ पावर देकर। कुछ लोग चाहते थे कि रिपब्लिकन फॉर्म आ जाए, पूरी तरह से गणतंत्र स्थापित हो जाए, ठीक है, अच्छा, और राजा खुद नहीं चाहता था कि वो अपने पावर्स को गिव अप करे। वो अपने सारे पावर को 2002 में लेके बैठ गया, सारे पावर को 2002 में लेके बैठ गया। मेनी पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस डिमांडेड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने एक नए संविधान असेंबली की, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन की बात की, वहाँ की असेंबली बनाने की बात की। वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिसे हम मेविस्ट के नाम से जानते हैं, वो इसमें सबसे आगे चल रही थी, नंबर 1 पे वही खेल रही थी कि भाई उसने काफ़ी इनके स्ट्रगल के बाद में, काफ़ी इन लोगों के मतलब संघर्ष के बाद में, फाइनली वहाँ के लोगों के प्रेशर द्वारा, राजा पे बहुत ही प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, और राजा के बात एक्सेप्ट करनी पड़ती है, और फाइनली 2008 में नेपाल एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के सामने आता है, और इसका जो संविधान है वो 2015 में
अडॉप्ट होता है। ठीक है, यह है नेपाल का पूरा कहानी। अब हमारा जो टॉपिक है वो है द सब्सटेंसिव प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में जो मूल प्रोविजन्स हैं, मूल कानून हैं, या मूल जो भी लागू करने की चीज़ें हैं, वो क्या हैं। ठीक है, देखिए, इट इज़ द हॉलमार्क ऑफ ए सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट गिव्स एवरीवन इन सोसाइटी सम रीजंस टू गो अलोंग विद इट्स प्रोविजन। लोगों को कुछ ऐसे तर्क दो, लोगों के कुछ ऐसे कारण दो जो लोगों को अपने प्रोविजन के साथ लेकर, लोगों को उन प्रोविजन्स को मानने पर, उनको साथ लेकर चलने पर, मतलब मजबूर करे, उनको लेकर चले। तो अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट फॉर इंस्टेंस अलाउड परमानेंट मेजोरिटी टू ऑप्रेस माइनॉरिटी ग्रुप्स सोसाइटी एंड वुड गिव माइनॉरिटीज टू नो रीजन टू गो अलॉन्ग विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मान लीजिए उदाहरण के लिए कि अगर हमारा संविधान ये अलाउ करे कि जो भी परमानेंट मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी को ऑप्रेस करती है, किसी माइनॉरिटी ग्रुप को सोसाइटी में, तो क्या लगता है आपकी माइनॉरिटीज के पास कोई रीजन होगा कि वो संविधान द्वारा बनाए प्रोविजन को साथ लेके चले? तो आपका जवाब है नहीं भैया, ऐसा कोई रीजन नहीं होगा। या फिर मान लीजिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टमेटिकली उन लोगों को प्रिविलेज दे जो सिर्फ खर्चा करते हैं उसके ऊपर में, और उन लोगों को, उन लोगों से पावर, उन लोगों से सब कुछ छीन लिया जाए जो सोसाइटी में स्मॉल ग्रुप के रूप में छोटे हैं, तो क्या लगता है अगर कोई भी ग्रुप अगर इस तरह की चीज़ों को फील करता है कि उनके उनके अधिकारों को छीना जा रहा है, उनके पास कोई उनके सारे हक कौन से छीना जा रहा है, तो कोई रीजन होगा कि वो आपके संविधान की बातों को मानेंगे और वो उनको ले, उनका पालन करेंगे, उनको लेके जाएंगे? जी नहीं, उनके पास कोई रीजन नहीं होगा और आप उनसे पालन करवा भी नहीं सकते। ऐसे ही केसेस में कॉन्स्टिट्यूशन फेल होता है। जी, तो जो आपके देश का संविधान है वो इतना परफेक्ट है, वो इतना तरीके से बनाया गया है कि यहाँ के लोग पूर्ण रूप से इसको मानते हैं और इस सर्वोच्च के रूप में मतलब इसको समझते हैं कि संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, इतने तरीके से डिजाइन किया है, तो इनके लिए क्लैपिंग बनती है बिल्कुल, हमारे देश के संविधान निर्माताओं के लिए कि जिन्होंने इतने तगड़े और इतने ज़बरदस्त संविधान का निर्माण किया है। हालांकि इसमें कुछ कमियां हैं, वो कमियां खास करके रिजर्वेशन से रिलेटेड हैं। खैर, उन पर कभी और बात करेंगे, फिलहाल आइए हम अभी टॉपिक पर बात करते हैं। समझाऊंगा आगे रिजर्वेशन क्या है। कोई भी संविधान पूर्ण रूप से परफेक्ट जस्टिस नहीं दे सकता, लेकिन एक बेसिक जस्टिस तो प्रोवाइड कर ही सकता है सबको। ठीक, क्या ये आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, एक डू दिस थॉट एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट को सोचिए जरा अपने दिमाग में। अपने आप से एक सवाल पूछिए कि व्हाट वुड बी द कंटेंट ऑफ सम बेसिक रूल्स इन सोसाइटी, समाज में वो क्या बेसिक रूल्स होने चाहिए, सच दैट गिव एवरीवन अ रीजन टू अलोंग विद गॉड। समाज में वो बेसिक रूल ऐसे क्या होने चाहिए जो पूरे समाज को उसको मानने पर, उसको लेके चलने पर बेबस करे, मजबूर करे? सोचिए जरा, बैठ सोचिए, सोच पूरा हो जाए तो समझिए। द मोर अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व्स द फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑल इट्स मेंबर द मोर लाइकली टू बी सक्सीड। अगर वो अपने लोगों का, अपने मेंबर्स का फ्रीडम, उनकी स्वतंत्रता और उनकी इक्वालिटी के बारे में बात करेगा, उनको उन्हें देगा, तो ज़्यादा चांस है कि वो संविधान आगे बढ़ेगा, सक्सीड करेगा। डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉडली स्पीकिंग गिव एवरीवन अ रीजन टू गो अलोंग विद दिस ब्रॉड आउटलाइंस? क्या भारत में, भारत का जो संविधान है, क्या उसके लोगों को उसको मानने पर या उसके संविधान को लेकर चलने पर विवश करता है, क्या कोई रीजन देता है? इस सवाल का जवाब आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे कि आपने देख रखा है अपना देश, तो और जो लोग नहीं जानते हैं वो इस किताब को पढ़ने के बाद बेसिकली जान ही जाएंगे। ठीक है, और इस पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे इन सारे जवाब को, इसलिए कहा था कि ये किताब पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब एक टॉपिक आता है कि बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, ये पढ़ेंगे अब हम अगली क्लास में। फिलहाल ये क्लास को यहीं बंद करते हैं और गुड नाइट चाहिए सब लोग। इसको रिवाइज कीजिए, पढ़िए, बार बार वीडियो देखिए, शेयर कीजिए एनसीईआरटी बाबा को, और दबा के करिए कमेंट, लाइक, और कल फिर से एक नई वीडियो आ जाएगी, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और खूब सारा कमेंट करो जैसे पिछली वीडियो में किया था, और चैनल को खूब शेयर करो। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।